कि जुमा का दिन है ना भाई, कौन सा दिन है? एक दुरूद शरीफ में आपको बताता हूँ, हमारे नबी ने फरमाया जो शख्स असर की नमाज के बाद, कौन सी नमाज? असर की नमाज के बाद अपनी जगह पर बैठे बैठे उठने से पहले किसी से बात किए बगैर 80 मरतबा एक छोटा सा दुरूद पाक पढ़े, और वो दुरूद पाक पढ़ने में ज्यादा वक्त नहीं होता है, गालिबन 10 मिनट भी नहीं होता है, हमारे नबी फरमाते हैं कि वो दुरूद पाक पढ़े उसके 80 साल के गुनाहों को माफ कर दिया जाता है और उसे 80 साल की इबादतों का सवाब मिलता है। अब हमें तो मालूम भी नहीं है कि हमारी उम्र 80 साल की है कि नहीं, अरे मालूम है भाई, फिर भी नामा अमाल में 80 साल की इबादत का सवाब लिखा जाता है। कोई मुसलमान बंदा अपने कारोबार को आगे पीछे कर कर अल्लाह के नबी की दिल में सच्ची मोहब्बत दाखिल करने के लिए 10 मिनट का वक्त कुर्बान कर दे तो वो एक जुमा में 80 साल के गुनाहों को माफ करवा के जाएगा और 80 साल की इबादत का सवाब लेकर जाएगा। वो कौन सा दुरूद पाक है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद, याद है भाई इतना तो, اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما, कितना छोटा सा दुरूद है। اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آله وسلم تسليما, इतना छोटा सा दुरूद पाक पढ़ने पर हमारे नबी फरमाते हैं कि उसके 80 साल के गुनाह माफ हो जाते हैं और 80 साल की इबादत का सवाब मिलता है। बोलो पाबंदी करोगे इंशाल्लाह, करोगे नहीं इंशाल्लाह।